रामायण महाभारत में इंटरेस्ट है ये वीडियो उनके लिए। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछले वीडियो पे हमने पढ़ा था पांडवों का, ब्राह्मणों का, कृष्ण का, नारद, कृपाचार्य सभी का, भीष्म पितामह के पास जाना, बाणों के शैया पर सोए हुए उनसे भेंट करना, और भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को राजनीति के संदर्भ में और नेता कैसा होना चाहिए उसके विषय में ज्ञान देना। तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइएगा, पिछला वीडियो देखिएगा या शुरुआत से देखिएगा। उसके बाद आज का चैप्टर है ब्राह्मण धर्म और कर्तव्य पालन का महत्व। तो ये युधिष्ठिर और पितामह का बात चालू है। युधिष्ठिर बोले, पितामह, अब आप ऐसे धर्मों का वर्णन कीजिए जो कल्याणमय, सुखमय, भविष्य में अद्भुतकारी, हिंसा रहित, लोक सम्मानित, सुख साधक तथा मुझ जैसे लोगों के लिए सुखपूर्वक आचरण में लाए जा सकते हैं। भीष्म जी ने कहा, प्रभु, भरतवंश वंशत युधिष्ठिर चारों आश्रम ब्राह्मणों के लिए ही विदित है। अन्य तीनों वर्णों के लोग उन सभी आश्रमों का अनुसरण नहीं करते हैं। राजन क्षत्रियों के लिए शास्त्र में बहुत से ऐसे स्वर्ग साधक कर्म बताए गए हैं जो हिंसा प्रधान है, जैसे युद्ध, किंतु ये कर्म ब्राह्मण के लिए आदर्श नहीं हो सकते, क्योंकि क्षत्रियों के लिए सभी प्रकार के कर्मों का यथोचित विधान है। जो ब्राह्मण होकर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्मों का सेवन करता है, वो मंदबुद्धि पुरुष इस लोक में निंदित और परलोक में नरकगामी होता है। पांडुनंद लोक में दास, कुत्ते, भेड़िए तथा अन्य पशुओं के लिए जो निंदा सूचक संज्ञा दी गई है, अपने वर्ण धर्म के विपरीत कर्म में लगे हुए ब्राह्मणों के लिए भी वही संज्ञा दी जाती है। जो ब्राह्मण यज्ञ करना, कराना, विद्या पढ़ना, पढ़ाना तथा दान लेना और देना इन छह कर्मों में ही प्रवृत्त होता है, चारों आश्रमों में स्थित हो, उनके संपूर्ण धर्मों का पालन करता है, धर्ममय कवच से सुरक्षित होता है और मन को वश में किए रहता है, जिसके मन में कोई कामना नहीं होती, जो बाहर भीतर से शुद्ध, तपस्या परायण और उदार होता है, उसे अविनाशी लोक प्राप्त होते हैं। जो पुरुष जिस अवस्था में, जिस देश और काल में, जिस उद्देश्य से जैसा कर्म करता है, वो उसी अवस्था में वैसा ही देश अथवा काल में वैसे भाव से उस कर्म का वैसा ही फल पाता है। राजेंद्र, वैश्य की ब्याज लेने वाली वृत्ति खेती और वाणिज्य के समान तथा क्षत्रियो के प्रजापालक रूप कर्म के समान ब्राह्मणों के लिए वेदाव्यास रूपी कर्म ही महान है, ऐसा तुम्हें समझना चाहिए। काल के उलट फेर से प्रभावित तथा स्वभाव से प्रेरित हुआ मनुष्य विवश होकर उत्तम, मध्यम और अधम कर्म करता है। पहले के जो कल्याणकारी और अमंगलकारी शुभाशुभ कर्म है, वही प्रधान होकर उस शरीर का निर्माण करता है। इस शरीर के साथ ही उनका भी अंत हो जाता है, परंतु जगत में अपने वर्णाश्रमोचित कर्म के पालन में तत्पर रहने वाला पुरुष तो हर अवस्था में सर्वव्यापी और अविनाशी ही है। नेक्स्ट चैप्टर वर्णाश्रम धर्म का वर्णन और राजधर्म की श्रेष्ठता। भीष्म जी कहते हैं, राजन, धनुष की डोरी खींचना, शत्रुओं को उखाड़ फेंकना, खेती व्यापार और पशुपालन करना अथवा धन के उद्देश्य से दूसरे की सेवा करना, ये ब्राह्मणों के लिए अत्यंत निषिद्ध कर्म है। मनुष्य ब्राह्मण यदि गृहस्थ हो तो उसके लिए वेदों का अभ्यास और यजन याजन आदि छह कर्म ही सेवन करने योग्य है। गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य पूर्ण कर लेने पर ब्राह्मणों के लिए वानप्रस्थी होकर वन में निवास करना उत्तम माना गया है। गृहस्थ ब्राह्मण राजा की दासता, खेती के द्वारा धन का उपार्जन, व्यापार से जीवन निर्वाह, कुटिलता, व्यभिचारिणी स्त्री के साथ व्यभिचार कर्म और खुदखोरी छोड़ दे। राजन, जो ब्राह्मण दुर्चरित्र, धर्महीन, शूद्र जातीय, कुलटा, स्त्री से संबंध रखने वाला, चुगलखोर, नाचने वाला, राजसेवक तथा दूसरे दूसरे विपरीत कर्म करने वाला होता है, वो ब्राह्मणत्व से गिरकर शूद्र हो जाता है। तो भीष्म पितामह वही कह रहे हैं जो उन्होंने दूसरे से सुना है, चाहे वो दूसरा कोई भी हो, ब्राह्मण हो या कोई भी हो, तो वो सुनकर ही बोल रहा है। नरेश्वर, उपयुक्त दुर्गुणों से युक्त ब्राह्मण वेदों का श्रद्धा करता हो या ना करता हो, शूद्रों के ही समान है। उसे दास की भांति पंक्ति से बाहर भोजन करना चाहिए। ये राजसेवक आदि सभी अधम ब्राह्मण शूद्रों के ही तुल्य है। राजन, देव कार्य में इनका परित्याग कर देना चाहिए। तो किसी से सुन के बोल रहे हैं वो, उनका अपना ज्ञान नहीं है ये, ठीक है। तो उस समय जो भी मेंटालिटी थी, जो भीष्म पितामह को बताया गया, वही बता रहे हैं। राजन, जो ब्राह्मण मर्यादा सुनना, अपवित्र, क्रूर स्वभाव वाला, हिंसा परायण तथा अपने धर्म और सदाचार का परित्याग करने वाला है,
उसे हव्यक्यव्य तथा दूसरे दान देना ना देना ही बराबर है। अतः नरेश ब्राह्मणों के लिए इंद्रिय संयम बाहर भीतर की शुद्धि तथा सरलता के साथ साथ धर्माचरण का ही विधान है। राजन, सभी आश्रम ब्राह्मणों के लिए ही है, क्योंकि सबसे पहले ब्राह्मणों की ही सृष्टि हुई है। जो मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाला, सोमयाग करके सोमरस पीने वाला, सदाचारी, दयालु, सब कुछ सहन करने वाला, निष्काम, सरल, मृदु, क्रूरता रहित और क्षमाशील हो, वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है। उससे भिन्न जो पापाचारी है, उसे ब्राह्मण नहीं समझना चाहिए। राजन, पांडुनंदन, धर्म पालन की इच्छा रखने वाले सभी लोग सहायता के लिए शूद्र, वैश्य और क्षत्रियों की शरण लेते हैं। अतः जो वर्ण, शांति, धर्म, मोक्ष साधन में असमर्थ माने गए हैं, उनको भगवान विष्णु शांति परक धर्म का उपदेश करना नहीं चाहते। यदि भगवान विष्णु यथा योग्य विधान ना करे तो लोक में जो सब लोगों को यह सुख आदि उपलब्ध है, वो ना रह जाए। नारी चारों वर्ण और वेदों के सिद्धांत टिक न सके, संपूर्ण यज्ञ तथा समस्त लोक की क्रियाएं बंद हो जाए तथा आश्रमों में रहने वाले सब लोग तत्काल विनष्ट हो जाए। पांडुनंदन, जो राजा अपने राज्य में तीनों वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के द्वारा शास्त्रोक्त रूप से आश्रम धर्म का सेवन कराना चाहता हो, उसके लिए जानने योग्य जो चारों आश्रमों के लिए उपयोगी धर्म है, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। पृथ्वीनाथ, जो शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करके कृतार्थ तो हो गया है, जिसने पुत्र उत्पन्न कर लिया है, शौच और सदाचार की दृष्टि में जिनमें अन्य त्रिवर्ण को की अपेक्षा बहुत कम अंतर रह गया है, अथवा जो मनुप्रक्त 10 धर्मों के पालन में तत्पर रहा है, वह शूद्र यदि राजा की अनुमति प्राप्त कर ले तो उसे उसके लिए संन्यास को छोड़कर शेष सभी आश्रम विदित है। राजेंद्र, पूर्वोक्त धर्म का आचरण करने वाले शूद्र के लिए तथा वैश्य और क्षत्रियों के लिए भी भिक्षा मांगकर निर्वाह करने का विधान है। अपने वर्ण धर्म का आश्रम पूर्वक पालन करके कृतकृत्य हुआ वैश्य अधिक अवस्था प्रतीत हो जाने पर राजा की आज्ञा लेकर क्षत्रियोचित वानप्रस्थ आश्रमों का ग्रहण करें। निष्पाप नरेश, राजा को चाहिए कि पहले धर्माचरण पूर्वक वेदों तथा राजशास्त्रों का अध्ययन करें, फिर संतानोत्पादन आदि कर्म करके यज्ञ में सोमरस का सेवन करें, समस्त प्रजाओं का धर्म के अनुसार पालन करके राष्ट्रीय अश्व में तथा दूसरे दूसरे यज्ञों का अनुष्ठान करें, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार सब सामग्री एकत्र करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, संग्राम में अल्प या महान विजय पाकर राज्य पर प्रजा की रक्षा के लिए अपने पुत्र को स्थापित कर दें, पुत्र ना हो तो दूसरे गोत्रों के किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दें। वक्ताओं में शेष क्षत्रिय शिरोमणि पांडुनंदन, पितृयज्ञ द्वारा विधिपूर्वक पितरों का, देवयज्ञ द्वारा देवताओं का तथा वेदों के श्रद्धा द्वारा ऋषियों का यत्नपूर्वक भलीभांति पूजन करके अंतकाल आने पर जो क्षत्रिय दूसरे आश्रमों को ग्रहण करने की इच्छा करता है, वो क्रमशः आश्रमों को अपना कर परम सिद्धि को प्राप्त होता है। गृहस्थ धर्म का त्याग कर देने पर भी क्षत्रिय को ऋषि भाव से वेदांत श्रवण आदि संन्यास धर्म का पालन करते हुए जीवन रक्षक के लिए ही भिक्षा का आश्रय लेना चाहिए, सेवा करने कराने के लिए नहीं। पर्याप्त दक्षिणा देने वाले राज सिंह ये भक्ष्यचर्च क्षत्रिय आदि तीन वर्णों के लिए नित्य या अनिवार्य कर्म नहीं है। चारों आश्रम वासियों का कर्म उनके लिए ऐच्छिक भी बताया गया है। राजन, राजधर्म बाहुबल के अधीन होता है, वह क्षत्रियों के लिए जगत का श्रेष्ठतम धर्म है। उसका सेवन करने वाले क्षत्रिय मानव मात्र की रक्षा करते हैं, अतः तीनों वर्ण के उपधर्म सहित जो अन्य अन्य समस्त धर्म हैं, वे राजधर्म से ही सुरक्षित रह सकते हैं, यह मैंने वेद शास्त्रों में सुना है। नरेश, जैसे हाथी के पद चिन्ह में सभी प्राणियों के पद चिन्ह विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सब धर्मों को सभी अवस्थाओं में राजधर्म के भीतर ही अवशिष्ट समाविष्ट हुआ समझो। धर्म के ज्ञाता आर्य पुरुष का कथन है कि अन्य समस्त धर्मों का आश्रय तो अल्प ही है, फल भी अल्प ही है, परंतु शास्त्र यानी क्षत्रिय धर्म का आश्रय भी महान है और उसके फल भी बहुसंख्यक एवं परम कल्याण रूप है। अतः इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मों में राजधर्म ही प्रधान है, क्योंकि उसके द्वारा सभी वर्णों का पालन होता है। यहाँ पे जो भीष्म पितामह धर्म कह रहे हैं, इस धर्म का मतलब है ड्यूटी यानी कर्तव्य। राजन, राजधर्मों में सभी प्रकार के त्याग का समावेश है और ऋषिगण त्याग को सर्वश्रेष्ठ एवं प्राचीन धर्म बताते हैं। यदि दंड नीति नष्ट हो जाए तो तीनों वेद रसातल को चले जाए और वेदों के नष्ट होने से समाज में प्रचलित हुए
सारे धर्मों का नाश हो जाए। पुरातन राजधर्म जिसे शाक्त धर्म भी कहते हैं, यदि लुप्त हो जाए तो आश्रमों के संपूर्ण धर्मों का ही लुप्त हो जाएगा। राजा के धर्मों में सारे त्यागों का दर्शन होता है, राजधर्मों में सारी दीक्षाओं का प्रतिपादन हो जाता है। राजधर्मों में संपूर्ण विद्याओं का संयोग सुलभ है तथा राजधर्म में संपूर्ण लोकों का समावेश हो जाता है। वेद आदि नीच प्रकृति के मनुष्यों द्वारा मारे जाते हुए पशु पक्षी आदि जीव जिस प्रकार घातक के धर्म का विनाश करने वाले होते हैं, उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष यदि राजधर्म से रहित हो जाए तो धर्म का अनुसंधान करते हुए भी वे चोर डाकुओं के उत्पात से स्वधर्म के प्रति आदर का भाव नहीं रख पाते हैं और इस प्रकार जगत की हानि में कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर राजधर्म की श्रेष्ठता का वर्णन और इस विषय में इंद्र रूपधारी विष्णु और मंदाता का संवाद। भीष्म जी कहते हैं, पांडुनंदन, चारों आश्रमों के धर्म यति धर्म और लौकिक और वैदिक उत्कृष्ट धर्म सभी शात धर्मों में प्रतिष्ठित हैं। भरत श्रेष्ठ, ये सारे कर्म शात धर्म पर अवलंबित हैं। यदि शात धर्म प्रतिष्ठित ना हो तो जगत के सभी जीव अपने मनोवांछित वस्तु पाने से निराश हो जाए। आश्रम वासियों का सनातन धर्म अनेक द्वार वाला और प्रत्यक्ष है। विद्वान पुरुष शास्त्रों द्वारा ही उसके स्वरूप का निर्णय करते हैं। अतः दूसरे वक्ता लोग जो धर्म के तत्वों को नहीं जानते हुए सुंदर युक्ति युक्त वचनों द्वारा लोगों के विश्वास को नष्ट कर देते हैं, तब वे श्रोतागण प्रत्यक्ष उदाहरण ना पाकर परलोक में नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। जो धर्म प्रत्यक्ष है, अधिक सुखमय है, आत्मा के साक्षित्व से युक्त है, छल रहित है और सर्वलोक हितकारी है, वो धर्म क्षत्रियों में प्रतिष्ठित है। युधिष्ठिर जैसे तीनों वर्णों के धर्मों का पहले क्षत्रिय धर्म में अंतर्भाव बताया गया है, उसी प्रकार नैष्ठिक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और यति इन तीनों आश्रमों में स्थित ब्राह्मणों के धर्म का गृहस्थ आश्रम में समावेश होता है। राजेंद्र उत्तम चरित्र धर्मों सहित संपूर्ण लोक राजधर्मों में अंतर्भूत है, ये बात मैं तुमसे कह चुका हूँ। किसी समय वत्स शूरवीर नरेश राजदंड की प्राप्ति के लिए संपूर्ण भूतों के स्वामी महातेजस्वी सर्वव्यापी भगवान नारायण देव की शरण में गए थे। वे पूर्वकाल में आश्रम संबंधी एक एक कर्मों की दंड नीति के साथ तुलना करके संयम में पड़ गए कि इनमें कौन श्रेष्ठ है। अतः सिद्धांत जानने के लिए उन राजाओं ने भगवान की उपासना की थी। साध्यदेव, वशुगण, अश्विनी कुमार, रुद्रगण, विश्वदेवगण और मरुद्गण, ये देवता और सिद्धगण पूर्वकाल में अग्निदेव भगवान विष्णु के द्वारा रचे गए हैं जो शास्त्र धर्म में स्थित रहते हैं। मैं इस विषय में तात्विक अर्थ का निश्चय करने वाला एक धर्ममय इतिहास सुनाऊंगा। पहले की बात है, ये सारा जगत दानवता के समुद्र में निमग्न होकर उल्लंघन हो चला था। राजेंद्र उन्हीं दिनों मंदाता नाम से प्रसिद्ध एक पराक्रमी पृथ्वी पालक नरेश हुए थे, जिन्होंने आदि मध्य और अंत से रहित भगवान नारायण देव का दर्शन पाने की इच्छा से एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। राजसिंह राजा मंदाता ने उस यज्ञ में परमात्मा भगवान विष्णु के चरणों की भावना से पृथ्वी पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय श्रीहरि ने देवराज इंद्र का रूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया। शेष भूपालों से घिरे हुए मंदाता ने उन इंद्र रूपधारी भगवान का पूजन किया। फिर उस पुरुष सिंह या राज सिंह और महात्मा इंद्र में महातेजस्वी भगवान विष्णु के विषय में ये महान संवाद हुआ। इंद्र बोले, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ नरेश, आदिदेव पुराण पुरुष भगवान नारायण अप्रमेय हैं। वे अपनी अनंत माया शक्ति, असीम धैर्य और अमित बल पराक्रम से संपन्न हैं। तुम जो उनका दर्शन करना चाहते हो, उसका क्या कारण है? तुम्हें उनसे कौन सी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा है? उन विश्वरूप भगवान को मैं और साक्षात ब्रह्मा जी भी नहीं देख सकते। राजन, तुम्हारे हृदय में जो दूसरी कामनाएं हो, उन्हें मैं पूर्ण कर दूंगा, क्योंकि तुम मनुष्य में राजा हो। नरेश्वर, तुम सत्यनिष्ठ धर्मपरायण, जितेंद्रिय और शूरवीर हो, देवताओं के प्रति अविचल प्रेम भाव रखते हो। तुम्हारी बुद्धि, भक्ति और उत्तम श्रद्धा से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें इच्छानुसार वर दे रहा हूँ। मंदाता ने कहा, भगवान, मैं आपके चरणों में मस्तक झुकाकर आपको प्रसन्न करके आपकी ही दया से आदिदेव भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त कर लूँगा, इसमें संशय नहीं है। इस समय मैं समस्त कामनाओं को परित्याग करके केवल धर्म संपादन की इच्छा रखकर वन में जाना चाहता हूँ, क्योंकि लोक में सभी सत्पुरुष अंत में इसी सन्मार्ग का दिग्दर्शन करा गया है। विशाल और अपरमेय शास्त्र धर्म के प्रभाव से
मैंने उत्तम लोक प्राप्त किए और सर्वत्र आपके यश का प्रचार एवं प्रसार कर दिया। परंतु आदित्य भगवान विष्णु से जिस धर्म की प्रवृत्ति हुई है उस लोक श्रेष्ठ धर्म का आचरण करना मैं नहीं जानता। इंद्र बोले, राजन, आदिदेव भगवान विष्णु से तो पहले राजधर्म की प्रवृत्त हुआ है, अतः सभी धर्म उसी के अंग हैं और उसके बाद प्रकट हुए हैं। जो सैनिक शक्ति से संपन्न राजा नहीं है वे धर्म परायण होने पर भी दूसरों को अनायासी धर्म विषयक परम गति की प्राप्ति नहीं करा सकते। शास्त्र धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। शेष धर्म असंख्य है और उनका फल भी विनाशशील है। इस शास्त्र धर्म में सभी धर्मों का समावेश हो जाता है, इसलिए इसी धर्म को श्रेष्ठ कहते हैं। पूर्वकाल में भगवान विष्णु ने शास्त्र धर्म के द्वारा ही शत्रुओं का दमन करके देवताओं तथा अमित तेजस्वी समस्त ऋषियों की रक्षा की थी। यदि वे अप्रमेय भगवान श्रीहरि समस्त शत्रु रूप असुरों का संहार नहीं करते तो ना कहीं ब्राह्मणों का पता लगता और ना जगत के आदिष्टा ब्रह्मा जी ही दिखाई देते। ना ये धर्म रहता और ना आदि धर्म का ही पता लग पा सकता था। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ आदिदेव भगवान विष्णु असुर सहित इस पृथ्वी को अपने बल और पराक्रम से जीत नहीं लेते तो ब्राह्मणों का नाश हो जाने से चारों वर्ण और चारों आश्रमों के सभी धर्मों का लोप हो जाता है। वे सदा से चले आने वाले धर्म सैकड़ों बार नष्ट हो चुके हैं, परंतु शास्त्र धर्म ने उनका पुनः उद्धार एवं प्रसार किया है। युग युग में आदि धर्म ही प्रवृत्ति हुई है, इसलिए इस शास्त्र धर्म को लोक में सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। युद्ध में अपने शरीर की आहुति देना, समस्त प्राणियों पर दया करना, लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना, प्रजा की रक्षा करना, विषादग्रस्त एवं पीड़ित मनुष्यों को दुख और कष्ट से छुड़ाना, ये सब बातें राजाओं के शास्त्र धर्म में ही विद्यमान है। जो लोग काम क्रोध में फंस कर उल्लंघन हो गए हैं वे भी राजा के भय से ही पाप नहीं कर पाते हैं, तथा जो सब प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले श्रेष्ठ पुरुष हैं वे राजा से सुरक्षित और सदाचार का सेवन करते हुए धर्म का सदुपदेश करते हैं। राजाओं से राजधर्म के द्वारा पुत्र की भांति पालित होने वाले जगत के संपूर्ण प्राणी निर्भय विचरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार संसार में शास्त्र धर्म ही सब धर्मों से श्रेष्ठ, सनातन, नित्य, अविनाशी, मोक्ष तक पहुँचाने वाला सर्वोत्तमुखी है। नेक्स्ट चैप्टर, इंद्र रूपधारी विष्णु और मंदाता का संवाद। इंद्र कहते हैं, राजन, इस प्रकार शास्त्र धर्म सब धर्मों में श्रेष्ठ और शक्तिशाली है। यह सभी धर्मों से संपन्न बताया गया है। तुम जैसे लोकहितैषी उद्धार पुरुष को सदा इस शास्त्र धर्म का ही पालन करना चाहिए। यदि इसका पालन नहीं किया जाएगा तो प्रजा का नाश हो जाएगा। समस्त प्राणियों पर दया करने वाले राजा को उचित है कि ये नीचे लिखे हुए कार्यों को ही श्रेष्ठ धर्म समझे। ये पृथ्वी का संस्कार कराए, राष्ट्रीय अष्टमेध आदि यज्ञों में अभ्रिश स्नान करे, भिक्षा का आश्रय न ले, प्रजा का पालन करे और संग्राम भूमि में शरीर को त्याग दे। ऋषि मुनि त्याग को ही श्रेष्ठ बताते हैं। उसमें भी युद्ध में राजा लोग जो अपने शरीर का त्याग करते हैं वो सबसे श्रेष्ठ त्याग है। सदा राजधर्म में संलग्न रहने वाला समस्त भूमि पालों ने जिस प्रकार युद्ध में प्राण त्याग किया है यह सब तुम्हारी आंखों के सामने है। क्षत्रिय ब्रह्मचारी धर्म पालन की इच्छा रखकर अनेक शास्त्रों के ज्ञान का उपार्जन तथा गुरु शुश्रूषा करते हुए अकेला ही नित्य ब्रह्मचर्य आश्रम के धर्म का आचरण करे, ये बात ऋषि लोग परस्पर मिलकर कहते हैं। जनसाधारण के लिए व्यवहार आरंभ होने पर राजा प्रिय और अप्रिय भावना का प्रयत्न पूर्वक परित्याग करें। भिन्न भिन्न उपायों, नियमों, पुरुषार्थों तथा संपूर्ण उद्योगों के द्वारा चारों वर्णों की स्थापना एवं रक्षा करने के कारण शास्त्र धर्म एवं गृहस्थ आश्रमों को ही सबसे श्रेष्ठ तथा संपूर्ण धर्मों से संपन्न बताया गया है, क्योंकि सभी वर्णों के लोग उस शास्त्र धर्म के सहयोग से ही अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। क्षत्रिय धर्म के ना होने से उन सब धर्मों का प्रयोजन विपरीत होता है, ऐसा कहते हैं। जो लोग सदा अर्थ साधन में ही आसक्त होकर मर्यादा छोड़ बैठते हैं वे मनुष्यों को पशु कहा गया है। क्षत्रिय धर्म अर्थ की प्राप्ति कराने के साथ साथ उत्तम नीति का ज्ञान प्रदान करता है, इसलिए वो आश्रम धर्म से भी श्रेष्ठ है। तीनों वेदों के विद्वान ब्राह्मणों के लिए जो यज्ञादि कार्य विहित है तथा उनके लिए जो चारों आश्रम बताए गए हैं उन्हीं को ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है।
इसके विपरीत आचरण करने वाला ब्राह्मण शूद्र के समान ही शस्त्रों द्वारा वध के योग्य है। राजन, चारों आश्रमों के जो धर्म हैं तथा वेदों में जो धर्म बताए गए हैं उन सबका अनुसरण ब्राह्मणों को ही करना चाहिए। दूसरा कोई शूद्र आदि कभी किसी तरह भी उन धर्मों को नहीं जान सकता। जो ब्राह्मण इसके विपरीत आचरण करता है उसके लिए ब्राह्मणोचित वृत्ति की व्यवस्था नहीं की जाती। कर्म से ही धर्म की वृद्धि होती है। जो जिस प्रकार के धर्म को अपनाता है वो वैसा ही हो जाता है। जो ब्राह्मण विपरीत कर्म में स्थित होता है वो सम्मान पाने पाने का अधिकारी नहीं है। अपने धर्म का आचरण न करने वाले ब्राह्मणों को विश्वास न करने योग्य माना गया है। समस्त वर्णों में स्थित हुए जो ये धर्म हैं उन्हें क्षत्रियों को उन्नति के शिखर पर पहुंचाना चाहिए। यही क्षत्रिय धर्म है, इसलिए राजधर्म श्रेष्ठ है। दूसरे धर्म इस प्रकार श्रेष्ठ नहीं है। मेरे मत में वीर क्षत्रियों के धर्मों में बल और पराक्रम की प्रधानता है। मंदाता बोले, भगवान, मेरे राज्य में यवन, किरात, गांधार, चीन, सबर, बर्बर, शक, तुषार, कंक, प्रहब, आंध्र, मंद्रक, पौंड्र, पुलिंद, रमट और कंबोज देश के निवासी स्नेचगण सब निवास करते हैं। कुछ ब्राह्मणों और क्षत्रियों की भी संतानें हैं। कुछ वैश्यों और शूद्र भी हैं जो धर्म से गिर गए हैं। ये सबके सब चोरी और डकैती से जीविका चलाते हैं। ऐसे लोग किस प्रकार धर्म का आचरण करेंगे? मेरे जैसे राजा का इन्हें किस प्रकार मर्यादा के भीतर स्थापित करना चाहिए? भगवान सुरेश सर, ये मैं सुनना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए, क्योंकि आप ही हम क्षत्रियों के बंधु हैं। इंद्र ने कहा, राजन, जो लोग दस्यु वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं उन सबको अपने माता पिता, आचार्य, गुरु तथा आश्रमवासी मुनियों की सेवा करनी चाहिए। भूमिपालों की सेवा करना भी समस्त दस्युओं का कर्तव्य है। वेदक्त धर्म कर्मों का अनुष्ठान भी उनके लिए शास्त्र विहित धर्म है। पितरों का श्राद्ध करना, कुआं खुदवाना, जल क्षेत्र चलाना और लोगों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनवाना भी उनका कर्तव्य है। उन्हें यथासमय ब्राह्मणों को दान देते रहना चाहिए। अहिंसा, सत्यवासन, क्रोध शून्य बर्ताव, दूसरों की आजीविका तथा बंटवारे में मिली हुई प्रत्येक संपत्ति की रक्षा, स्त्री पुत्रों का भरण पोषण, बाहर भीतर की शुद्धि रखना तथा द्रोह भाव का त्याग करना, ये उन सबका धर्म है। कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को सब प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा देनी चाहिए। सभी दस्युओं को अधिक खर्चा वाला पाक यज्ञ करना और उसके लिए धन देना चाहिए। निष्पाप नरेश, इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने सब मनुष्यों के कर्तव्य पहले ही निर्दिष्ट कर दिए हैं। उन दस्युओं को भी इनका यथावत रूप से पालन करना चाहिए। मंदाता बोले, भगवान, मनुष्य लोक में सभी वर्ण तथा चारों आश्रमों में भी डाकू और लुटेरे देखे जाते हैं, जो विभिन्न वेशभूषाओं में अपने को छिपाए रखते हैं। इंद्र बोले, निष्पाप नरेश, जब राजा की दुष्टता के कारण दंड नीति नष्ट हो जाती है और राजधर्म तिरस्कृत हो जाता है, तब सभी प्राणी मोहवश कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक खो बैठते हैं। इस सतयुग के समाप्त हो जाने पर नाना वेशधारी असंख्य भिक्षुक प्रकट हो जाएंगे और लोक आश्रमों के स्वरूप की विभिन्न मनमानी कल्पना करने लगेंगे। लोग काम और क्रोध से प्रेरित होकर कुमार्ग पर चलने लगेंगे। वे पुराण प्रोक्त प्राचीन धर्मों के पालन का जो उत्तम फल है उस विषय की बात नहीं सुनेंगे। जब महामनुष्य राजा लोग दंड नीति के द्वारा पाप को पाप करने से रोकते रहते हैं, तब सत्य स्वरूप परमत कोष्ठ सनातन धर्म का हास नहीं होता है। जो मनुष्य संपूर्ण लोकों के गुरु स्वरूप राजा का अपमान करता है उसके लिए दान, होम और श्राद्ध कभी सफल नहीं होते हैं। राजा मनुष्यों का अधिपति, सनातन देव स्वरूप तथा धर्म की इच्छा रखने वाला होता है। देवता भी उसका अपमान नहीं करते हैं। भगवान प्रजापति ने जब इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की थी उस समय लोगों को सत्कर्मों में लगाने और दुष्कर्मों से निवृत्त करने के लिए उन्होंने धर्म रक्षा हेतु शास्त्र बल को प्रतिष्ठित करने की अभिलाषा की थी। जो पुरुष पवित्र धर्म की गति का अपनी बुद्धि से विचार करता है वही मेरे लिए माननीय और पूजनीय है, क्योंकि उसी में शास्त्र धर्म प्रतिष्ठित है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, मंदाता को इस प्रकार उपदेश देकर इंद्र रूपधारी भगवान विष्णु मरुद्गणों के साथ अविनाशी और सनातन परमपद विष्णु धाम को चले गए। निष्पाप नरेश सर, इस प्रकार प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने ही राजधर्म को प्रचलित किया और सत्पुरुषों द्वारा वो भली भांति आचरण में लाया गया।
ऐसी दशा में कौन ऐसा सचेत और बहुशुद्ध विद्वान होगा जो क्षत्रिय धर्म की अवहेलना करेगा? अन्यायपूर्वक क्षत्रिय धर्म की अवहेलना करने से प्रवृत्त और निवृत्ति धर्म भी उसी प्रकार बीच में ही नष्ट हो जाते हैं जैसा अंधा मनुष्य रास्ते में नष्ट हो जाता है। पुरुष सिंह निष्पाप युधिष्ठिर, विधाता का ये आज्ञा चक्र राजधर्म आदि काल में प्रचलित हुआ और पूर्ववर्ती महापुरुषों का परम आश्रय बना रहा, तुम भी उसी पर चलो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम इस क्षत्रिय धर्म के मार्ग पर चलने में पूर्णतः समर्थ हो। नेक्स्ट चैप्टर, क्षत्रिय धर्म के पालन से चारों आश्रमों के धर्म का फल मिलने का कथन। युधिष्ठिर बोले, पितामह, आपने मानव मात्र के लिए जो चार आश्रम पहले बताए थे वे सब मैंने सुन लिए। आप विस्तार पूर्वक इनकी व्याख्या कीजिए, मेरे प्रश्न के अनुसार इनका स्पष्टीकरण कीजिए। भीष्मजी बोले, महाभव युधिष्ठिर, साधु पुरुष द्वारा सम्मानित समस्त धर्मों का जैसा मुझे ज्ञान है वैसा ही तुमको भी है। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर, तथापि जो तुम विभिन्न लिंगों हेतुओं से रूपांतर को प्राप्त हुए सूक्ष्म धर्म के विषय में मुझसे पूछ रहे हो उसके विषय में कुछ निवेदन कर रहा हूँ, सुनो। कुंती नंदन नरेश्वर, चारों आश्रम के धर्मों का पालन करने वाले सदाचार परायण पुरुषों को जिन फल की प्राप्ति होती है वे ही सब राग द्वेष छोड़कर दंड नीति के अनुसार बर्ताव करने वाले राजा को भी प्राप्त होते हैं। युधिष्ठिर, यदि राजा सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखने वाला है तो उसे सन्यासियों को प्राप्त होने वाली गति प्राप्त होती है। जो तत्वज्ञान सर्व त्याग इंद्रिय संयम तथा प्राणियों पर अनुग्रह करना चाहता है तथा जिसका पहले कहे अनुसार उत्तम आचार विचार है उस धीर पुरुष को कल्याण में गृहस्थाश्रम से मिलने वाले फल की प्राप्ति होती है। पांडुनंदन, इसी प्रकार जो पूजनीय पुरुषों को उनकी अभीष्ट वस्तुएं देकर सदा सम्मानित करता है उसे ब्रह्मचारियों को प्राप्त होने वाली गति मिलती है। युधिष्ठिर, जो संकट में पड़े हुए अपने स्वजातियों संबंधियों और सुहृदों का उद्धार करता है उसे वानप्रस्थ आश्रम में मिलने वाले पद की प्राप्ति होती है। कुंती नंदन, जो जगत के श्रेष्ठ पुरुषों और आश्रमियों का निरंतर साक्षात् सत्कार करता है उसे भी वानप्रस्थ आश्रम द्वारा मिलने वाले फलों की प्राप्ति होती है। कुंती नंदन, जो नित्र प्रति संध्या वंदन आदि नित्य कर्म पितृश्राद्ध भूत यज्ञ मनुष्य यज्ञ अतिथि सेवा इन सब का अनुष्ठान प्रचुर मात्रा में करता रहता है उसे वानप्रस्थाश्रम के सेवन से मिलने वाले पुण्य फल की प्राप्ति होती है। राजेंद्र, बलि वैश्य देव के द्वारा प्राणियों को उनका भाग समर्पित करने से अतिथियों के पूजन से तथा देव यज्ञ के अनुष्ठान से भी वानप्रस्थ सेवन का फल प्राप्त होता है। सत्यपराक्रमी पुरुष सिंह युधिष्ठिर से शिष्ट पुरुषों की रक्षा के लिए अपने शत्रुओं के राष्ट्रों को कुचल डालने वाले राजा को भी वानप्रस्थ सेवन का फल प्राप्त होता है। समस्त प्राणियों के पालन तथा अपने राष्ट्र की रक्षा करने से राजा को नाना प्रकार के यज्ञ की दीक्षा लेने का पुण्य प्राप्त होता है। राजन, इससे वो संन्यासम के सेवन का फल प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन वेदों का श्रद्धा करता है, क्षमा भाव रखता है, आचार्य की पूजा करता है और गुरु की सेवा में संलग्न रहता है उसे ब्रह्माश्रम संन्यास द्वारा मिलने वाला फल प्राप्त होता है। पुरुष सिंह, जो प्रतिदिन इष्ट मंत्र का जप और देवताओं का सदा पूजन करता है उसे उस धर्म के प्रभाव से धर्माश्रम के पालन का अर्थात गृहस्थ धर्म के पालन का पुण्यमय फल प्राप्त होता है। जो राजा युद्ध में प्राणों की बाजी लगाकर इस निश्चय के साथ शत्रु को सामना करता है कि या तो मैं मर जाऊंगा या देश की रक्षा करके ही रहूंगा उसे भी ब्रह्माश्रम अर्थात संन्यास आश्रम के पालन का ही फल प्राप्त होता है। भरतनंदन, जो सदा समस्त प्राणियों के प्रति माया और कुटिलता से रहित यथार्थ व्यवहार करता है उसे भी ब्रह्माश्रम सेवन का ही फल प्राप्त होता है। भारत, जो वानप्रस्थ ब्राह्मणों तथा तीनों वेद के विद्वानों को प्रचुर धन दान करता है उसे वानप्रस्थ आश्रम के सेवन का फल मिलता है। भरतनंदन, जो समस्त प्राणियों पर दया करता है और क्रूरता रहित कर्मों में ही प्रवृत्त होता है उसे सभी आश्रमों के सेवन का फल प्राप्त होता है। कुंती कुमार युधिष्ठिर, जो बालकों और बूढ़ों के प्रति दयापूर्ण बर्ताव करता है उसे भी सभी आश्रमों के सेवन का फल प्राप्त होता है। कुरुनंदन, जिन प्राणियों पर बलात्कार हुआ हो और वे शरण में आए हो उनका संकट से उद्धार करने वाला पुरुष गृहस्थ धर्म के पालन से मिलने वाले पुण्य फल का भागी होता है। चराचर प्राणियों की सब प्रकार से रक्षा तथा उनके यथायोग्य पूजा करने वाले पुरुषों को गृहस्थ सेवन का फल प्राप्त होता है। कुंती नंदन, छोटी बड़ी पत्नियां भाइयों पुत्रों और नातियों को भी
जो राजा अपराध करने पर दंड और अच्छे कार्य करने पर अनुग्रह रूप पुरस्कार देता है, यही उसके द्वारा गृहस्थ धर्म का पालन है और यही उसकी तपस्या है। पुरुष सिंह पूजन के योग्य सुप्रसिद्ध आत्मज्ञानी साधुओं की पूजा और रक्षा गृहस्थाश्रम के पुण्य फल की प्राप्ति कराने वाली है। भरतनंदन युधिष्ठिर जो किसी भी आश्रम में रहने वाले प्राणियों को अपने घर में ठहराकर उसका भोजन आदि से सत्कार करता है, उस राजा के लिए वही गृहस्थ धर्म का पालन है। जो पुरुष विधाता द्वारा विहित धर्मों में स्थित होकर यथार्थ रूप से उसका पालन करता है, वो सभी आश्रमों के निर्दोष फल को प्राप्त कर लेता है। कुंती नंदन युधिष्ठिर जिस पुरुष में स्थित हुए सद्गुणों का कभी नाश नहीं होता, उस नरश्रेष्ठ को सभी आश्रमों के पालन में स्थित बताया गया है। युधिष्ठिर जो राजा स्नान कुल और अवस्था का मान रखते हुए कार्य करता है, वो सभी आश्रमों में निवास करने का फल पाता है। कुंती कुमार पुरुष सिंह देश धर्म और कुल धर्म का पालन करने वाला राजा सभी आश्रमों के पुण्य फल का भागी होता है। नरभाग्य नरेश जो समय समय पर सम्मति और उपहार देकर समस्त प्राणियों का सम्मान करता रहता है, वो साधु पुरुषों के आश्रम में निवास का पुण्य फल पा लेता है। कुंती नंदन जो राजा मनोप्रक्त 10 धर्मों में स्थित होकर भी संपूर्ण जगत के धर्मों पर दृष्टि रखता है, वो सभी आश्रमों के पुण्य फल का भागी होता है। भरतनंदन जो धर्मकुशल मनुष्य लोक में धर्म का अनुष्ठान करते हैं, वे जिस राजा के राज्य में पालित होते हैं, उस राजा को उनके धर्म का छठा अंश प्राप्त होता है। पुरुष सिंह जो राजा धर्म में ही रमन करने वाले धर्म परायण मानवों की रक्षा नहीं करते हैं, वे उनके पाप बटोर लेते हैं। निष्पाप युधिष्ठिर जो लोग इस जगत में राजाओं के सहायक होते हैं, वे सभी उस राज्य में दूसरों द्वारा किए गए धर्म का अंश प्राप्त कर लेते हैं। पुरुष सिंह शास्त्रोक्त विधान कहते हैं कि हम लोग जिस गृहस्थ धर्म का सेवन कर रहे हैं, वो सभी आश्रमों में श्रेष्ठ एवं पावन है। उसके विषय में शास्त्रों का ये निर्णय सबका विदित है। जो मानव समस्त प्राणियों के प्रति अपने समान ही भाव रखता है, दंड का त्याग कर देता है, क्रोध को जीत लेता है, वो इस लोक में और मृत्यु के पश्चात परलोक में भी सुख पाता है। राजधर्म एक नौका के समान है, वो नौका धर्म रूपी समुद्र में स्थित है। सत्वगुण ही उस नौका का संचालन करने वाला बल है, धर्मशास्त्र ही उसे बांधने वाली रस्सी है। त्याग रूपी वायु का सहारा पाकर वो मार्ग पर शीघ्रतापूर्वक चलती है, वो नाव ही राजा को संसार समुद्र से पार कर देगी। मनुष्य के हृदय में जो जो कामनाएं स्थित हैं, उन सबसे जब वो निवृत्त हो जाता है, तब उसकी विशुद्ध सत्वगुण में स्थिति होती है और उसी समय उसे परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। और कामनाएं यानी मन की इच्छाएं कब निवृत्त होती है? जब उसको पूरा कर लेते हैं या अपने अंदर ऐसा ज्ञान लेते हैं कि कामनाएं उत्पन्न ही ना हो। नरेश्वर पुरुष सिंह चित्त वित्तों के निरोध रूप योग से और समभाव से जब अंतकरण अत्यंत शुद्ध एवं प्रसन्न हो जाता है, तब प्रजापरायण राजा उत्तम धर्म के फल का भागी होता है। युधिष्ठिर तुम वेदाध्ययन में संलग्न रहने वाले सत्कर्म परायण ब्राह्मणों तथा अन्य सब लोगों के पालन पोषण का प्रयत्न करो। भरतनंदन वन में और विभिन्न आश्रमों में रहकर जो लोग जितना धर्म करते उनकी रक्षा करने से राजा उनसे 100 गुने धर्म का भागी होता है। पांडव श्रेष्ठ, यह तुम्हारे लिए नाना प्रकार का धर्म बताया गया है। पूर्वजों द्वारा आचरित इस सनातन धर्म का तुम पालन करो। पुरुष सिंह पांडुनंदन, यदि तुम प्रजा के पालन में तत्पर रहोगे तो चारों आश्रमों के चारों वर्णों के तथा एकाग्रता के धर्म को प्राप्त कर लोगे। नेक्स्ट चैप्टर, राजा की राष्ट्र की रक्षा और उन्नति के लिए राजा की आवश्यकता का प्रतिपादन। राजा युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, अपने चारों आश्रमों और चारों वर्णों के धर्म बतलाएं। अब आप मुझे ये बताइए कि समूचे राष्ट्र का, उस राष्ट्र में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक का मुख्य कार्य क्या है? भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, राष्ट्र अथवा राष्ट्रवासी प्रजा वर्ग का सबसे प्रधान कार्य ये है कि वो किसी योग्य राजा का अभिषेक करे, क्योंकि बिना राजा का राष्ट्र निर्बल होता है। उसे डाकू और लुटेरे लूटते और सताते हैं। जिस देशों में कोई राजा नहीं होता, वहाँ धर्म की भी स्थिति नहीं रहती है, अतः वहाँ के लोग एक दूसरे को हड़पने लगते हैं। इसीलिए जहाँ अराजकता हो, उस देश को सर्वथा धिक्कार है। श्रुति कहती है, प्रजा जो राजा का वरण करती है, वो मानो इंद्र का ही वरण करती है। अतः लोक का कल्याण चाहने वाले
को इंद्र के समान ही राजा का पूजन करना चाहिए। मेरी रुचि तो ये है कि जहाँ कोई राजा ना हो उन देशों में निवास ही नहीं करना चाहिए। बिना राजा के राज्य में दिए हुए हविष्य को अग्निदेव बहन नहीं करते। यदि कोई प्रबल राजा राज्य के लोभ से उन बिना राजा के दुर्बल देशों पर आक्रमण करे तो वहाँ के निवासियों को चाहिए कि वे आगे बढ़कर उसका स्वागत सत्कार करें। यही यहाँ के लिए सबसे अच्छी सलाह हो सकती है, क्योंकि पापपूर्ण अराजकता से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। वो बलवान आक्रमणकारी नरेश यदि शांत दृष्टि से देखे तो राज्य की पूर्णतः भलाई होती है, और यदि वो कुपित हो गया तो उस राज्य का सर्वनाश कर सकता है। राजन, जो गाय कठिनाई से दुही जाती है उसे बड़े बड़े क्लेश उठाने पड़ते हैं, परंतु जो सुगमतापूर्वक दूध दूह लेने देती है उसे लोग पीड़ा नहीं देते हैं, आराम से रखते हैं। जो राष्ट्र बिना कष्ट पाए ही नतमस्तक हो जाता है वो अधिक संतोष का भागी नहीं होता। जो लकड़ी स्वयं ही झुक जाती है उसे लोग झुकाने का प्रयत्न नहीं करते हैं। वीर इस उपमा को ध्यान में रखते हुए दुर्बलों को बलवान के सामने नतमस्तक हो जाना चाहिए। जो बलवान को प्रणाम करता है वो मानो इंद्र को ही नमस्कार करता है। अतः सदा उन्नति की इच्छा रखने वाले देश को अपनी रक्षा के लिए किसी को राजा अवश्य बना लेना चाहिए। जिसके देश में अराजकता है उनके धन और स्त्रियों पर उन्हीं का अधिकार बना रहे ये संभव नहीं है। अराजकता की स्थिति में दूसरों के धन का अपहरण कर लेने वाला पापाचारी मनुष्य बड़ा प्रसन्न होता है, परंतु जब दूसरे लुटेरे उसका भी सारा धन हड़प लेते हैं तब वो राजा की आवश्यकता का अनुभव करता है। अराजक देश में पापी मनुष्य भी कभी कुशल पूर्वक नहीं रह सकता। एक का धन दो मिलाकर उठा ले जाते हैं, और उन दोनों का धन दूसरे बहुसंख्यक लुटेरे लूट लेते हैं। अराजकता की स्थिति में जो दास नहीं है उसे दास बना लिया जाता है और स्त्रियों का बलपूर्वक अपहरण किया जाता है। इसी कारण से देवताओं ने प्रजापालक नरेशों की सृष्टि की है। यदि इस जगत में भूतल पर दंडधारी राजा ना हो तो जैसे जल में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती है, उसी प्रकार प्रबल मनुष्य दुर्बलों को लूट खाए। हमने सुन रखा है कि जैसे पानी में बलवान मत्स्य दुर्बल मत्स्यों को अपना आहार बना लेते हैं, उसी प्रकार पूर्वकाल में राजा के ना रहने पर प्रजावर्ग के लोग परस्पर एक दूसरे को लूटते हुए नष्ट हो गए थे। तब उन सबने मिलकर आपस में नियम बनाया, ये बात हमारे सुनने में आई है। वो नियम इस प्रकार है, हम लोगों में से जो भी निष्ठुर बोलने वाला, भयानक दंड देने वाला, परस्त्रीगामी तथा पराय धन का अपहरण करने वाला हो, ऐसे सब लोगों को हमें समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। सभी वर्ण के लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए समानतः ऐसा नियम बनाकर उसका पालन करते हुए वे सब लोग मुख से सुख से रहने लगे। कुछ समय तक इस प्रकार काम चलता रहा, किंतु आगे चलकर पुनः दुरावस्था फैल गई। तब दुख से पीड़ित हुई सारी प्रजाएं एक साथ मिलकर ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे कहने लगी, भगवान, राजा के बिना तो हम लोग नष्ट हो रहे हैं। आप हमें कोई ऐसा राजा दीजिए जो शासन करने में समर्थ हो, हम सब लोग मिलकर जिसकी पूजा करें और जो निरंतर हमारा पालन करता रहे। तब ब्रह्मा जी ने मनु को राजा होने की आज्ञा दी, परंतु मनु ने उन प्रजाओं को स्वीकार नहीं किया। मनु बोले, भगवान, मैं पाप कर्म से बहुत डरता हूँ। राज्य करना बड़ा कठिन काम है, विशेषतः सदा मिथ्याचार से प्रवृत्त रहने वाले मनुष्यों पर शासन करना तो और भी दुष्कर है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तब समस्त राजाओं ने मनु से कहा, महाराज, आप डरे मत, पाप तो उन्हीं को लगेगा जो उसे करेंगे। हम लोग आपके कोष की वृद्धि के लिए प्रति 50 पशुओं पर एक पशु आपको दिया करेंगे। इसी प्रकार सुवर्ण का भी 50वां भाग देते रहेंगे। अनाज की उपज का 10वां भाग कर के रूप में देंगे। जब हमारी बहुत सी कन्याएं विवाह के लिए उद्यत होंगी उस समय उनमें जो सबसे सुंदरी कन्या होगी उसे हम शुल्क के रूप में आपको भेंट कर देंगे। जैसे देवता देवराज इंद्र का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार प्रधान प्रधान मनुष्य अपने प्रमुख शास्त्रों और वाहनों के साथ आपके पीछे पीछे चलेंगे। प्रजा का सहयोग पाकर आप एक प्रबल दुर्जय और प्रतापी राजा होंगे। जैसे कुबेर यक्षों और राक्षसों की रक्षा करके उन्हें सुखी बनाते हैं, उसी प्रकार आप हमें सुरक्षित एवं सुख से रखेंगे।
आप जैसे राजा के द्वारा सुरक्षित हुई प्रजा, जो जो धर्म करेंगी उसका चतुर्थ भाग आपको मिलता रहेगा। राजन सुखपूर्वक प्राप्त हुए उस महान धर्म से संपन्न हो आप, उसी प्रकार सब ओर से हमारी रक्षा कीजिए जैसे इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं। महाराज, आप तपते हुए अंशुमाली सूर्य के समान विजय के लिए यात्रा कीजिए, शत्रु का घमंड धूल में मिला दीजिए और सर्वदा आपकी जय हो। तब महान सैन्य बल से घिरे हुए महाकुलीन महातेजस्वी राजा मनु अपने तेज से प्रकाशित होते हुए से निकले। जैसे देवराज इंद्र का प्रभाव देखकर प्रभावित हो जाते हैं, उसी प्रकार सब लोग महाराज मनु का महत्व देखकर आतंकित हो उठे और अपने अपने धर्म में मन लगाने लगे। तदनंतर वर्षा करने वाले मेघ के समान मनु पापाचारी को शांत करते और उन्हें अपने वर्ण समुचित कर्म में लगाते हुए भूमंडल पर चारों ओर घूमने लगे। इस प्रकार जो मनुष्य वैभव बुद्धि की कामना रखते हो उन्हें सबसे पहले इस भूमंडल में प्रजाजनों पर अनुग्रह करने के लिए कोई राजा अवश्य बना लेना चाहिए। जैसे शिष्य भक्तिभाव से गुरु को नमस्कार करते हैं तथा जैसे देवता देवराज इंद्र को प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार समस्त प्रजाजनों को अपने राजा के निकट नमस्कार करना चाहिए। इस लोक में आत्मीयजन जिसका आदर करते हैं उसे दूसरे लोग भी बहुत मानते हैं, और जो सज्जनों द्वारा तिरस्कृत होता है उसका दूसरे भी अनादर करते हैं। राजा का यही दूसरे के द्वारा पराभव हुआ तो वो समस्त प्रजा के लिए दुखदायी होता है। इसलिए प्रजा को चाहिए कि वो राजा के लिए छत्र, वाहन, वस्त्र, आभूषण, भोजन, पान, गृह, आसन और शय्या आदि सभी प्रकार की सामग्री भेंट करे। इस प्रकार प्रजा की सहायता पाकर राजा दुर्दशा एवं प्रजा की रक्षा करने में समर्थ हो जाता है। राजा को चाहिए कि वो मुस्कुराकर बातचीत करे। यदि प्रजा वर्ग के लोग उससे कोई बात पूछे तो वो मधुर वाणी में उन्हें उत्तर दे। राजा उपकार करने वालों के प्रति कृतज्ञ और अपने भक्तों पर दृढ़ स्नेह रखने वाला है। उपभोग में आने वाली वस्तुओं को यथायोग्य विभाजन करके उन्हें काम में ले, इंद्रियों को वश में रखे। जो उसकी ओर देखे उससे वो भी देखे एवं स्वभाव से ही मृदु मधुर और सरल हो। नेक्स्ट चैप्टर वसुमना और बृहस्पति के संवाद में राजा के ना होने से प्रजा की हानि और होने से लाभ का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, भरतश्रेष्ठ पितामह, जो मनुष्य का अधिपति उस राजा को ब्राह्मण लोग देव स्वरूप क्यों बताते हैं, ये मुझे बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, भारत, इस विषय में जानकर लोग उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसके अनुसार राजा वसुमना ने बृहस्पति जी से ये बात पूछी थी। कहते हैं, प्राचीन काल में बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कौशल नरेश राजा वसुमना ने शुद्ध बुद्धि वाले महर्षि बृहस्पति से कुछ प्रश्न किया। राजा वसुमना संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर रहने वाले थे। वे विनय प्रकट करने की कला को जानते थे। बृहस्पति के आने पर उन्होंने उठकर उनका अभिवादन किया और चरण प्रक्षालन आदि सारा विनय संबंधित वर्ताव पूर्ण करके महर्षि की परिक्रमा करने के अनंतर उन्होंने विधिपूर्वक उनके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर प्रजा के सुख की इच्छा रखते हुए राजा ने धर्मशील बृहस्पति से राज्य संचालन की विधि के विषय में इस प्रकार प्रश्न उपस्थित किया। वसुमना बोले, महामते, राज्य में रहने वाले प्राणियों की बुद्धि कैसी होती है, उनका हास कैसे हो सकता है, किस देवता की पूजा करने वाले लोगों को अक्षय सुख की प्राप्ति हो सकती है। अमित तेजस्वी कौशल नरेश के इस प्रकार प्रश्न करने पर महाज्ञानी बृहस्पति ने शांत भाव से राजा के सत्कार की आवश्यकता बताते हुए इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। बृहस्पति ने कहा, महाप्राज्ञ, लोक में जो धर्म देखा जाता है उसका मूल कारण राजा ही है। राजा के भय से ही प्रजा एक दूसरे को हड़प ले नहीं लेती है। राजा ही मर्यादा का उल्लंघन करने वाले तथा अनुचित भोगों में आसक्त हो उनकी प्राप्ति के लिए उत्कंठित रहने वाले सारे जगत के लोगों को धर्मानुकूल शासनों द्वारा प्रसन्न रखता है और स्वयं भी प्रसन्नतापूर्वक रहकर अपने तेज से प्रकाशित होता है। राजन, जैसे सूर्य और चंद्रमा का उदय न होने पर समस्त प्राणी घोर अंधकार में डूब जाते हैं और एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, जैसे घोड़े जल वाले तालाब में मत्स्यगण तथा रक्षक रहित उपवनों में पक्षियों के झुंड परस्पर एक दूसरे पर बारंबार चोट करते हुए इच्छानुसार विचरण करते हैं, वे कभी तो अपने प्रहार से दूसरों को कुचलते और मरते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कभी स्वयं दूसरे की चोट खाकर व्याकुल हो उठते हैं। इस प्रकार आपस में लड़ते हुए वे थोड़े ही दिन दिनों में नष्ट प्राय हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि इसी तरह राजा के बिना वे सारी प्रजाएं आपस में लड़ झगड़ कर बात की बात में नष्ट हो जाएंगी और बिना चरवाहे के पशुओं की भांति दुख के घोर अंधकार में डूब जाएंगी।
यदि राजा प्रजा की रक्षा ना करे तो बलवान मनुष्य दुर्बलों की बहू बेटियों को हर ले जाए और अपने घर बार की रक्षा के लिए प्रयत्न करने वाले को मार डाले। यदि राजा रक्षा ना करे तो इस जगत में स्त्री पुत्र धन अथवा घर बार कोई भी ऐसा संग्रह संभव नहीं हो सकता जिसके लिए कोई कह सके कि ये मेरा है, सब और सबकी सारी संपत्ति का लोप हो जाए। यदि राजा प्रजा का पालन ना करे तो पापाचारी लुटेरे सहसा आक्रमण करके वाहन वस्त्र आभूषण और नाना प्रकार के रत्न लूट ले जाए। यदि राजा रक्षा ना करे तो धर्मात्मा पुरुषों पर बारंबार नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र की मार पड़े और विवश होकर लोगों को अधर्म का मार्ग ग्रहण करना पड़े। यदि राजा पालन ना करे तो दुराचारी मनुष्य माता पिता वृद्ध आचार्य अतिथि और गुरु को क्लेश पहुँचाए अथवा मार डाले। यदि राजा रक्षा ना करे तो धनवानों को प्रतिदिन बध या बंधन का क्लेश उठाना पड़े और किसी भी वस्तु को वे अपनी ना कह सके। यदि राजा प्रजा का पालन ना करे तो अकाल में ही लोगों की मृत्यु होने लगे या समस्त जगत डाकुओं के अधीन हो जाए और पाप के कारण घोर नरक में गिर जाए। यदि राजा पालन ना करे तो व्यभिचार से किसी को घृणा ना हो, खेती नष्ट हो जाए, व्यापार चौपट हो जाए, धर्म डूब जाए और तीनों वेदों का कहीं पता ना चले। यदि राजा जगत की रक्षा ना करे तो विधिवत पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त यज्ञों का अनुष्ठान बंद हो जाए, विवाह ना हो और सामाजिक कार्य रुक जाए। यदि राजा पशुओं का पालन ना करे तो सांड गायों में गर्भाधान ना करे, दूध दही से भरे हुए घड़े या मटके कभी महे ना जाए और गौशाले नष्ट हो जाए। यदि राजा रक्षा ना करे तो सारा जगत भयभीत उद्विग्न चित्त हाहाकार परायण तथा अचेत हो क्षण भर में नष्ट हो जाए। यदि राजा पालन ना करे तो उनमें विधिपूर्वक दक्षिणाओं में युक्त वार्षिक यज्ञ बैठक के ना चल सके। यदि राजा पालन ना करे तो विद्या पढ़ कर स्नातक हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले और तपस्वी तथा ब्राह्मण लोग चारों वेदों का अध्ययन छोड़ दें। यदि राजा पालन ना करे तो मनुष्य हताहत होकर धर्म का संपर्क छोड़ दे और चारों घर का माल मत्ता लेकर अपने शरीर और इंद्रियों पर आँच आए बिना ही सकुशल लौट जाए। यदि राजा पालन ना करे तो चोर और लुटेरे हाथ में रखी हुई वस्तु को भी हाथ से छीन ले जाए, सारी मर्यादाएं टूट जाए और सब लोग भय से पीड़ित हो चारों ओर भागते फिरे। यदि राजा पालन ना करे तो सब और अन्याय एवं अत्याचार फैल जाए, वर्ण संकरण संतानें पैदा होने लगे और समूचे देश में अकाल पड़ जाए। राजा से रक्षित हुए मनुष्य सब और से निर्भय हो जाते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार घर के दरवाजे खोलकर सोते हैं। यदि धर्मात्मा राजा भली भांति पृथ्वी की रक्षा ना करे तो कोई भी मनुष्य गाली गलौज अथवा हाथ से पीटे जाने का अपमान कैसे सहन करे। यदि पृथ्वी का पालन करने वाले राजा अपने राज्य की रक्षा करता है तो समस्त आभूषणों से विभूषित हुई सुंदरी स्त्रियां किसी पुरुष को साथ लिए बिना भी निर्भय होकर मार्ग से आती जाती है। जब राजा रक्षा करता है तब सब लोग धर्म का ही पालन करते हैं, कोई किसी की हिंसा नहीं करते और सभी एक दूसरे पर अनुग्रह रखते हैं। जब राजा रक्षा करता है तब तीनों वर्णों के लोग नाना प्रकार के बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं और मनोयोग पूर्वक विद्या अध्ययन में लगे रहते हैं। खेती आदि समुचित जीविका की व्यवस्था ही इस जगत के जीवन का मूल है तथा वृष्टि आदि की हेतुभूत त्रयी विद्या से ही सदा जगत का धारण पोषण होता है। जब राजा प्रजा की रक्षा करता है तभी वो सब कुछ ठीक ढंग से चलता रहता है। जब राजा विशाल सैनिक शक्ति के सहयोग से भारी मारकाट उठाकर प्रजा की रक्षा का भार वहन करता है तब यह संपूर्ण जगत प्रसन्न होता है, जिसके ना रहने पर सब और से समस्त प्राणियों का अभाव होने लगता है और जिसके रहने पर सदा सबका अस्तित्व बना रहता है। उस राजा का आदर सत्कार कौन नहीं करेगा जो उस राजा के प्रिय एवं हित साधन में संलग्न रहकर उसके सर्वलोक भयंकर शासन भार को वहन करता है। वो इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाता है। जो पुरुष मन से भी राजा के अनिष्ट का चिंतन करता है वो निश्चय ही ये लोक में कष्ट भोगता है और मरने के बाद भी नरक में पड़ता है। ये भी एक मनुष्य है, ऐसा समझ कर कभी भी पृथ्वी पालक नरेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा मनुष्य रूप में एक महान देवता है। राजा ही सदा समयानुसार पांच रूप धारण करता है, वो कभी अग्नि, कभी सूर्य, कभी मृत्यु, कभी कुबेर और कभी यमराज बन जाता है। जब पापात्मा मनुष्य राजा के साथ मिथ्या वर्ताव करके उसे ठगते हैं तब वो अग्नि स्वरूप हो जाता है और उसे उग्र तेज से समीप आए हुए उन पापियों को जलाकर भस्म कर देता है।
जब राजा गुप्तचरों द्वारा समस्त प्रजाओं की देखभाल करता है और उन सब की रक्षा करता हुआ चलता है, तब वो सूर्य रूप होता है। जब राजा कुपित होकर अशुद्धाचारी सैकड़ों मनुष्यों का उनके पुत्र पौत्र और मंत्रियों से ही संहार कर डालता है, तब वो मृत्यु रूप हो जाता है। जब वो कठोर दंड के द्वारा समस्त अधार्मिक पुरुषों को काबू में करके सद्मार्ग पर लाता है और धर्मात्माओं पर अनुग्रह करता है, उस समय वो यमराज माना जाता है। जब राजा उपकारी पुरुषों की अनुरूपी जल की धाराओं से तृप्त करता है और अपकार करने वाले दुष्टों के नाना प्रकार के रत्नों को छीन लेता है, किसी राज हितैषी को धन देता है तो किसी राज विरोधी के धन का अपहरण कर लेता है, उस समय वो पृथ्वीपालक नरेश इस संसार में कुबेर समझा जाता है। जो मनुष्य कार्य में निपुण, अनायास ही कार्य साधन करने में समर्थ, धर्ममय लोकों में जाने की इच्छा कर रखने वाला तथा दोष दृष्टि से रहित हो, उस पुरुष को अपने देश के शासक नरेश की निंदा के काम में नहीं पड़ना चाहिए। राजा के विपरीत आचरण करने वाला मनुष्य उसका पुत्र, भाई, मित्र अथवा आत्मा के तुल्य ही क्यों ना हो, कभी सुख नहीं पा सकता। वायु की सहायता से प्रज्वलित हुई आग जब किसी गाँव या जंगल को जलाने लगे तो संभव है कि वहाँ का कुछ भाग जलाए बिना शेष छोड़ दे, परंतु राजा जिस पर आक्रमण करता है उसकी कहीं कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती। मनुष्य को चाहिए कि राजा की सारी रक्षणीय वस्तुओं को दूर से ही त्याग दे और मृत्यु की भांति राजधन के अपहरण से घृणा करके उससे अपने को बचाने का प्रयत्न करे। जैसे मृग मारण मंत्र का स्पर्श करते ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है, उसी प्रकार राजा के धन पर हाथ लगाने वाला मनुष्य तत्काल मारा जाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो अपने ही धन के समान इस जगत में राजा के धन की भी रक्षा करे। राजा के धन का अपहरण करने वाले मनुष्य दीर्घकाल के लिए विशाल, भयंकर, अस्थिर और चेतना शक्ति को लुप्त कर देने वाला नरक में गिरते हैं। भोज, विराट, सम्राट, क्षत्रिय, भूपति और नृप, इन शब्दों द्वारा जिस राजा की स्तुति की जाती है उस प्रजापालक नरेश की पूजा कौन नहीं करेगा। इसलिए अपनी उन्नति की इच्छा रखने वाला मेधावी, स्मरण शक्ति से संपन्न और कार्यदक्ष मनुष्य नियम पूर्वक रहकर मन इंद्रियों को संयम में रखते हुए राजा का आश्रय ग्रहण करे। राजा को उचित है कि वो कृतज्ञ, विद्वान, महामता, राजा के प्रति दृढ़ भक्ति रखने वाले, जितेंद्रिय, नित्य धर्म परायण और नीति के मंत्री का आदर करे। इसी प्रकार राजा अपने प्रति दृढ़ भक्ति से संपन्न, युद्ध की भिक्षा पाए हुए, बुद्धिमान, धर्मज्ञ, जितेंद्रिय, सुरवीर और श्रेष्ठ कर्म करने वाले ऐसे वीर पुरुष को सेनापति बनाए जो अपनी सहायता के लिए दूसरे का आश्रय लेने वाला ना हो। राजा मनुष्य को घृष्ट एवं सबल बनाता है और राजा ही उसे दुर्बल कर देता है। राजा के रोष का शिकार बने हुए मनुष्य को कैसे सुख मिल सकता है। राजा अपने शरणागत को सुखी बना देता है। राजा प्रजाओं का प्रथम अथवा प्रधान शरीर है, प्रजा भी राजा का अनुपम शरीर है। राजा के बिना देश और वहाँ के निवासी नहीं रह सकते और देश तथा देव देशवासी के बिना राजा भी नहीं रह सकते। राजा प्रजा का गुरुतर, हृदय गति अशिष्ट, उत्तम सुख है। नरेंद्र, राजा का आश्रय लेने वाले मनुष्य इस लोक और परलोक पर भी पूर्णतः विजय पा लेता है। राजा भी इंद्रिय संयम, सत्य और सौहार्द के साथ इस पृथ्वी का भलीभांति शासन करके बड़े बड़े यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा महान यश का भागी हो स्वर्गलोक में सनातन स्थान प्राप्त कर लेता है। राजन, बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर राजाओं में श्रेष्ठ कौशल नरेश भी सुमना अपनी प्रजाओं का प्रयत्नपूर्वक पालन करने लगे। नेक्स्ट चैप्टर राजा के प्रधान कर्तव्य का और राजदंड नीति के द्वारा युगों के निर्माण का वर्णन।